अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उर्मिला, कुछ भी हो जानकी को मत बताना। थैंक यू राकेश टाइम पे आने के लिए। अरे भैया, छोटे भाई को थैंक यू बोल के आप और छोटा कर रहे हो। राकेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये एसी की गैस लीक कैसे हुई? और वो नॉर्मल गैस नहीं थी। भैया अभी ये सब क्यों सोच रहे हो आप? आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ क्या है। हाँ भाई साहब, अगर आप मेरी माने तो ऑफिस से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लीजिए, मैं और राकेश है ना मिलके सब संभाल लेंगे। भैया मैं छोड़ देता हूँ आपको। भाई नहीं राकेश, अब ठीक लग रहा है, मैं चला जाऊंगा। ओके। बेबी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कुछ कैसे कहे। वही सड़क छाप लड़की की वजह से। मतलब ये लॉकेट मिला है भाई साहब के कैबिन से मुझे। भाई साहब ठीक ही कह रहे थे, तुलसी ने बचाया भाई साहब को। से तो आपने मुंबई भेजा था ना? हाँ। मतलब वो बेबी इंदौर में? तुलसी पता नहीं कौन सी पनौती बनकर बैठी हमारी कुंडली में। और मेरी कुंडली में तो राजयोग लिखा है ना बेबी, पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों। इसका परमानेंट इलाज देखना होगा राकेश। भाई साहब को तो इसने बचा लिया, लेकिन मुझसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा तुलसी। ना तेरी जानकी माँ, ना सेठ, और ना ही पप्पा सेठ। तुलसी, कमला कजरी, अपना अपना सामान मार लो, हम लोग निकल गए अभी के अभी। पर कहाँ जा रहे हैं मंटी भैया? मुंबई और कहाँ। पर मंटी भैया, पर भर कुछ नहीं तुलसी, इस बार मैं नहीं सुनने वाला। तूने दो बार अपनी जान खतरे में डाली है, पर उन्होंने क्या किया? तुझे घर से निकाल दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतनी परेशान क्यों होती है उनके लिए। वो लोग कौन से तेरे सगे लगते हैं तुलसी? यस यस मंटी भैया राइट से, वे नॉट सगे। हम चारों भी सगे नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो। आप मेरे लिए इतना दूर से आए हो ना। आदे अमीर पीपल्स बैड, अमीर लोग कभी भी गरीबों के साथ अच्छा नहीं करते, चाहे गरीब उनके लिए कितना भी कर दे। गमला तो ठीक कह रहा है, लेकिन सेठ और जानकी माँ बुरे नहीं है, उन्हीं की वजह से आज हम चारों एक साथ हैं, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। जानकी बस इतना काफी है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको रोज टीम लेनी है। तो मुझसे अब तक नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? मैं होती कौन हूँ आपसे नाराज होने वाली? ऑफिस में इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर डॉक्टर का फोन नहीं आता दवाई बताने के लिए तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता। रघु आई एम सॉरी बाबा, वो क्या है ना, वृंदा के आने के बाद इतने सालों बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। रघु तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अब से मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। प्रॉमिस। ऑफिस में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? पता नहीं जानकी, लेकिन ये हादसा नहीं था। मतलब एसी से सिर्फ गैस लीक नहीं हुई थी, एसी का रिमोट भी खराब था, लैंडलाइन की वायर किसी ने काटी हुई थी और मेरे मोबाइल में सिम नहीं था, मेरा कैबिन किसी ने बाहर से लॉक किया हुआ था। जरूर किसी ना किसी का हाथ है इसके पीछे। रघु बंटी भैया, आप ही कहते हो ना कि जिसको सच्चे दिल से मान लिया तो मान लिया, फिर अपनों को मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं बंटी भैया? कर्जी दीदी, इस बार हमें सागर से गागर नहीं निकालनी, सागर में कुछ गद्दी मछलियां हैं उसे निकालनी है, और ये खाम
आप सबके मदद के बिना नहीं कर सकती मैं। देख, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, समझ ले। कोई ऐसा क्यों करेगा? आपका कौन दुश्मन हो सकता है? पता नहीं जानकी। रघु, कोई हमारा बिजनेस राइवल तो नहीं है? जो भी हो, तुम इसके बारे में मत सोचो। और हाँ, माँ को मत बताना, वरना वो भी परेशान हो जाएंगी। रघु, भला उस बच्ची का जिसने आज आपकी जान बचा ली। हाँ, उसका चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाया, मगर ऐसा लगता हो जैसे तुलसी। पता नहीं, शायद उसकी याद आ रही है, इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं। लेकिन तुलसी नहीं हो सकती, तुलसी तो अब तक मुंबई पहुंच गई होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। पक्का मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं। तो ठीक है, मुझे भी आपसे हाँ बुलवाना आता है। कजी दीदी, गमला हमला। रुका, नहीं, हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप यहाँ रुकने के लिए हाँ नहीं बोल देते। अरे रुको, हाँ मैं मान गया, रुको। मैं मान गया तुम लोगों की बात, मान गया। बहुत गलत फायदा उठाते हो तुम लोग मेरा। पर तुलसी, आगे करना क्या है? जानकी माँ और रघु सेठ को विश्वास दिलाने के लिए कि छोटे सेठ और छोटे सेठानी उनकी जान लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। Do how? सबूत इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, हाउ करें? गमला, आसान काम किया है क्या हमने आज तक? मुझे नहीं खाने वाले तो पराठा, मुझे पिज्जा खाना है। वृंदा बेटा, थोड़ा सा खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। वृंदा, भाभी मैं देखती हूँ। वृंदा बेबी। भैया, आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो क्या? ऑफिस, कल के हादसे के बारे में पता करने और सीसीटीवी फुटेज देखने। भैया, लेकिन आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना? भैया मैं हूँ ना, मैं ऑफिस जाता हूँ, सारी जांच पड़ताल करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। भैया जिसने भी ये किया है ना, उसकी गर्दन पकड़ के आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। नहीं राकेश, मैं उसे खुद पकड़ूंगा। जिसने भी ये अटैक किया, उसे ऑफिस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई करीबी है। जी मिश्र जी, हाँ मैं ऑफिस आधे घंटे में पहुंचाऊंगा, आप फुटेज रेडी रखिए। जी रघु, ऐसे बिना कुछ खाए मत जाओ, थोड़ा सा तो खा लो। जानकी, तुम पैक कर देना, ऑफिस भिजवा देना, मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। जी। अब भैया, भैया आप अकेले मत जाइए प्लीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। मुझे आपका लक्ष्मण बनने का एक मौका दीजिए भैया, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ, प्लीज भैया। रघु, अपना ध्यान रखना। तुम भी जानकी, सब ठीक होगा और ये जो भी है वो जल्द पकड़ा जाएगा। उर्मिला, मैं आता हूँ। खुश रहे। जानकी भाभी, मैं अभी आती हूँ। हे महादेव, मेरे परिवार को हर परेशानी से बचाना, रक्षा करना। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। वृंदा, अरे बेटा लेट हो रहा है, थोड़ा सा तो खा लो, आपने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं खाना आलू और पराठा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। क्यों जबरदस्ती कर रही हो बहू, मंगा दो ना इससे जो भी खाना है। मम्मी जी पिज्जा के लिए जिद कर रही है,
रोज खाएगी तबियत खराब हो जाए। इसका जो मन करेगा वही खाएगी। पता है बहू गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा यह सुरक्षा कवच है हमारे परिवार का, हमारे परिवार की हर मुसीबत हर परेशानी से रक्षा करेगी। लक्ष्मी स्वरूप है मेरी पोती। बहू आज के बाद इसकी कोई भी बात के लिए ना नहीं होनी चाहिए। देखो मम्मा दादी ने क्या कहा। दादी मम्मा तो पिज्जा नहीं मंगा रही है, आप ही पिज्जा मंगा दो ना। ठीक है आज दादी अपनी पोती के साथ पिज्जा खाएगी है ना। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।